हेलो फ्रेंड, मेक अपग्रेड चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको बेंच वाइज के बारे में बताए थे, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल बताए थे कि वाइज कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इनका कार्य है। पिछली वीडियो में हम जो वाइज बताए थे आपको, उसका कार्य भी बताए थे। ये कितने प्रकार के, इसमें हम बताते हैं कि वाइज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है बेंच वाइस। बेंच वाइस का मुख्यतः कार्य क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। आपका बेंच वाइस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हर प्रकार के काम के लिए उपयुक्त है। बेंच वाइस में किसी प्रकार को वस्तु को अच्छे से पकड़ा जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है, इसीलिए इसको इंजीनियर वाइस भी कहा जाता है। बेंच वाइस कास्ट आयरन और कास्ट स्टील द्वारा बनाया जाता है और इसका आकार इसकी जा प्लान प्लेट के अनुसार होता है और यह 5 से 6 इंच इत्यादि होता है। बेंच वाइस का इस्तेमाल किसी भी धातु को रेतने के लिए, काटने के लिए, उस पर चूड़ी काटने के इत्यादि के लिए किया जाता है। ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये बेंच वाइस है। देखिए, इसमें फिक्स जा है, ये फिक्स रहता है जो नहीं कहीं घसकता है। और उसके बाद हार्ड जा है जो पकड़ता है, उसका मूवेबल जा है, ये जो मूवेबल जा है वो घूमता है। ये हैंडल है आपका, ये हैंडल क्या है, ये इसी को घुमाने पे आगे पीछे ये घूमता रहता है। तो ये आपका बेंच वाइस है। और जो नीचे आपको दिख रहा है बॉक्स नट, वो होता है ये बेंच वाइस के नीचे लगा होता है, जो किसी भी डेस्क को आराम से पकड़ लेता है। अब आइए देखते हैं दूसरा वाइस कौन सा होता है। वाइस क्लैंप होता है, ये देखिए, ये पाइप वाइस होता है। ये पाइप को कटिंग या पाइप में चूड़ी निकालने के लिए कार्य करता है। ये पाइप वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। पाइप वाइस बेंच वाइस से थोड़ा अलग होता है, इसमें दोनों जबड़े भी आकार के होते हैं ताकि उनमें पाइप अच्छे से पकड़ी जा सके। इस वाइस में मूवेबल जा ऊपर और नीचे करके सेट किया जाता है। वहीं बेंच वाइस में मूवेबल जाओस को आगे या पीछे करके सेट किया जाता था। पाइप वाइस में पाइप को लोअर जा पर रखकर हैंडल को घुमाना पड़ता है और अपर जाओस को नीचे की तरफ लाना पड़ता है और हैंडल को तब तक घुमाते रहना होगा जब तक कि पाइप इसमें अच्छे से सेट न हो जाए। तो ये आपका है पाइप वाइस। अब हम देखते हैं हैंड वाइस कैसा होता है, इसके बारे में, इसका क्या काम है, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों को शेयर ना करना भूले। तो अब हैंड वाइस को देखते हैं। ये हैंड वाइस है, जो आपका हैंड वाइस का इस्तेमाल ऐसी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें बेंच वाइस द्वारा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है। हैंड वाइस सामान्यतः 125 mm से लेकर 150 mm तक की ऊंचाई वाला होता है और इसके जबड़े का आकार 40 mm से लेकर 44 mm तक होता है। इसमें एक स्प्रिंग पत्ती लगी होती है जो कि दोनों जबड़े को खोलने का काम करती है और इसके ऊपर एक विंग नट होता है जिसे हम घुमा कर जबड़े के बीच में किसी भी वस्तु को मजबूती से पकड़ सकते हैं। इनमें दोनों टांगों का एक पिवियट जोड़ा जाता है जिसके द्वारा दूसरी तरफ दोनों जा लगे होते हैं जहां पर किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं। आइए अब पिन वाइस देखते हैं। पिन वाइस का क्या कार्य है समझते हैं। पिन वाइस इस्तेमाल ऐसी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें हम हैंड वाइस से भी नहीं पकड़ सकते हैं, जैसे पिन, तार इत्यादि। तो ऐसी वस्तुओं जिन पर बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है, ऐसी वस्तुओं को पिन वाइस से पकड़ा जाता है। इसमें हैंडल, चक और जास होते हैं जिसकी मदद से यह अपना पूरा काम करता है। पिन वाइस में 3 से 4 जास होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऊपर वाला और नीचे वाला जास नहीं होता है, क्योंकि यह वाइस बेलनाकार होती है। अब देखते हैं लेग वाइस। लेग वाइस कुछ वस्तुओं को गर्म करके उनके आकार को बदलने के लिए, उनकी बनावट को बदलने के लिए लेग वाइस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उन वस्तुओं का आकार को या बनावट को बदलने के लिए उन पर हथौड़े से चोट मारी जाती है
इसीलिए इस प्रकार की वस्तुओं को बेंच वाइस में पकड़कर या कर यह काम नहीं किया जा सकता है। इसीलिए लेग वाइस को मिल्ड स्टील द्वारा बनाया जाता है ताकि अगर इस पर हथौड़े की चोट लग जाए तो यह टूटे ना। यह वाइस दो अलग अलग वाइस की बनावट से मिलकर बनाया गया है। इसका ऊपर का हिस्सा बेंच वाइस की तरह और इसका नीचे का हिस्सा हैंड वाइस की तरह है। इसमें भी दो जबड़े होते हैं जिसमें से एक जबड़ा स्थिर होता है दूसरा मूवेबल होता है जिसे हम आगे पीछे की तरफ घुमाकर सेट कर सकते हैं और किसी भी वस्तु को मजबूती से पकड़ सकते हैं। लेकिन इसकी भी हैंड वाइस की तरह दो टांगें होती है जिन्हें एक रिपेट पर जोड़ा जाता है और इसमें एक स्प्रिंग होता है। हैंडल की मदद से इसको जा को घुमा कर आगे पीछे या की तरफ घुमाकर सेट किया जा सकता है। तो ये आपका लेग वाइस है। अब चलते हैं, हम देखिए इस वीडियो में आपको लेग वाइस दिखाया गया है। अब हम चलते हैं मशीन वाइस पर कि मशीन वाइस का क्या कार्य है इसके बारे में बता रहे हैं। मशीन वाइस को पैरेलल वाइस भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल किसी भी वस्तु में ड्रिल करने के लिए, उसके आकार को बदलने इत्यादि के लिए किया जाता है। ये दूसरे वाइस से काफ़ी बड़ा होता है और इसमें भी दो जबड़े होते हैं जिसमें से एक जबड़ा स्थिर होता है और दूसरा जबड़ा मूवेबल होता है जिसे हम आगे या पीछे की तरफ सरका सकते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं जो फिक्स जा है, मूवेबल से जा है, स्पेंडल है, हैंडल है। तो ये इतना जो आज मशीन में लगा होता है ये मशीन वाइस कहलाते हैं। तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।